आप लोगों ने सोशल मीडिया पर फिर से वीडियो देख ली ना कहीं ना कहीं, और बार बार एक ही प्रश्न को कर रहे हैं। यार आपसे मैं कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है आपको, ये सोशल मीडिया है, आजकल क्या है 4G नेट आ गए हैं, नेट सस्ता हो गया है, ठीक है, और मोबाइल फोन भी सस्ते हो गए हैं, हर कोई मोबाइल फोन ले रखा है, वीडियो बना देता है, नेट फ्री है और अपलोड कर देता है YouTube पर। अब ये YouTube बेचारा इतना सीधा साधा है, ये सबकी बातों को रखता है, ये किसी से नफरत नहीं करता है, इतनी अच्छी चीज है YouTube, मना कोई नहीं करता है, चाहे कैसी भी वीडियो आप अपलोड कर दो। अब दोस्तों आप इस ईमानदार और सच्चे जो YouTube है बेचारा सीधा साधा है, इसका गलत फायदा उठा रहे हो, ये पक्का है। मेरी ये समझ में नहीं आता है, आपने पढ़ाई स्कूल के पीछे की है या स्कूल में अंदर की है? कमेंट बॉक्स में ये चीज लिख देना कि सर हमने स्कूल के पीछे बैठकर तैयारी की है, हम कुछ नहीं जानते हैं। परसों से मैं GDS ऑनलाइन फॉर्म के एडिट को लेकर बातें कर रहा हूं, परसों रात को मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया, सबसे पहले, नहीं है विश्वास तो वीडियो देख लेना, सबसे पहले बनाया था कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, आपने फॉर्म में अगर गलती कर दिया है तो वो गलती को सुधार लेना, 25 और 26 फरवरी 2 दिन का समय दिया जा रहा है। कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको आप सुधार सकते हो वो भी मैंने बताया, रिजल्ट कब तक आ रहा है वो भी मैंने आपको बताया, और मैंने रोज रोज आपको अपडेट दिया है और दे रहा हूं। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं ओनली 4 सर्किल वाले ही अभ्यर्थी एडिट कर सकते हैं, क्या यार पागल हो गए हो, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। हम नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। आप मुझे पता है ठीक होंगे और ठीक ही रहने चाहिए। अब यहां ध्यान दीजिए, बिल्कुल यही ध्यान देना है, इधर उधर नहीं देना है, फिर बाद में आप कमेंट्स करते हो समझते कुछ है नहीं, समझा करो अच्छे से, मैं जो बोलता हूं उसको कानों से सुन लिया करो। देखिए मेरे भैया जी, GDS ऑनलाइन फॉर्म एडिट 2023 क्रिएटर में चर्चा कर रहा हूं, एप्लीकेशन फॉर्म एडिट वाला जो ऑप्शन है वो अभी विंडो ओपन नहीं हुआ है, कल सुबह ओपन होगा 25 फरवरी को, ठीक है। एंड दोस्तों इसमें आप कौन कौन सी चीज को अपडेट कर सकते हो, 10th की मार्क में अगर कोई गलतियां कर दी है उनको कर सकते हो, सब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हो, एंड आप ग्रेड वगैरह चेंज कर सकते हो, अदर कोई जो है आपने गलतियां कर दी है तो वो सब आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में है, लेकिन कल मैंने एक बात बोली थी, आप वीडियो तो देखते नहीं हो, बोला था मैंने, किसी भाई ने बहन ने वो देख लिया होगा तो कॉमेंट कर देना प्लीज, ताकि बाकी बच्चों को मालूम चल जाए। मैंने बोला था कोई भी बड़ा से बड़ा आपका जो टीचर है ना YouTube पर, उसकी बात मत मानिए, मेरी भी बात मत मानिए। अरे यार आप पढ़े लिखे हो ना, कल भी मैंने यही बात बोली थी, पढ़े लिखे हो, ऑफिशियली नोटिफिकेशन में अंग्रेजी में आया है, वो हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना उसे, तब आपके समझ में आएगा। बार बार यार पागल हो गए हो, ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आपको कुछ लाइन्स दिखाई देंगी, आपको मैं कटिंग करके बता रहा हूं, देख लीजिए, ये लाइन्स हमें कुछ इस प्रकार कह रही है कि 4 सर्किल और 20 बोर्ड ही चेंज कर सकते हैं। अब 4 सर्किल के अभ्यर्थी कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्या केवल 4 सर्किल के ही अभ्यर्थी एडिट कर सकते हैं? बाकी राज्य के अभ्यर्थी जहर खा ले क्या, मर जाए क्या, क्या यार, ठीक है। 20 बोर्ड आप कहीं ना कहीं चेंजिंग कर सकते हो, किसी के बोर्ड्स में अगर परेशानी आ रही हो, तमिलनाडु के 2 बोर्ड है, उत्तराखंड के 2 है, MP के 8 है, महाराष्ट्र के 8 है, यहां आपको मैं बोर्ड भी बता देता हूं, ठीक है। ये सब कुछ ऑफिशियली नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, सर आप तो व्यूज कमा रहे हो, आप तो पैसा कमा रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। अरे भाई आप तो बिल्कुल पागल हो गए हो, मैं व्यूज कमा रहा हूं, बहुत बुरा लगता है यार, क्यों फालतू की ऐसी नेगेटिव भ्रांतियां पैदा कर रहे हो, जिंदगी बना लीजिए। ऐसे किसी के बारे में गलत सोचोगे तो आपका भविष्य में अंधेरा ही अंधेरा है, थोड़ा पॉजिटिव भी सोचने का वो लगा लीजिए यार, क्यों नेगेटिव सोचते हो। ये बात है ना 4 सर्किल और 20 बोर्ड की, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन में है और आप लोग नहीं पढ़ते हो। अब क्या अदर राज्य के अभ्यर्थी नहीं कर सकते एडिट? दोस्तों कोई नहीं कह सकता कि अदर राज्य के अभ्यर्थी एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कोई कह दे तो मैं लिख कर कहता हूं कि YouTube पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप बने रहिए,
कल तक का वेट कीजिएगा, जैसे ही ऑफिशियली वेबसाइट पर नई विंडो ओपन होती है क्या कुछ होता है, अभी से टेंशन करोगे तो कल तक तो आप बिल्कुल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे बाकी राज्य के अभ्यर्थी इनसे अलावा, तो क्यों पागल हो रहे हो? भारत देश के अंदर आपके इतने अच्छे अच्छे राज्य है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, तो आप जीडीएस के भरोसे ही बैठे हो क्या? आप तो वैसे भी होशियार हो यार, फिर दिक्कत कहां आ रही है? मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि दोस्त अपडेट लीजिएगा, लेकिन खुद पर भी निर्भर रहिए, किसी की बातों की, किसी की गलत बातों का शिकार ना होइए। मेरी भी बात को मत मानिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही महान भाव हूं, मैं ही वैज्ञानिक हूं, मैं उससे बड़ा कोई नहीं है, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं, मैं हमेशा आपसे भी छोटा हूं, आपको मुझसे ज्यादा जो है अनुभव होगा, आपकी उम्र मुझसे ज्यादा होगी, आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आप मेरे से ज्यादा पैसे वाले होंगे, सब चीज में आप मेरे से आगे होंगे, तो दोस्त आप मुझ पर भी विश्वास ना कीजिए। आपके माता पिता ने पढ़ाई लिखाई करवाई है, उसका यूज करना सीखिए, यूज करना, ऑफिशियल जब भी कोई अपडेट आए खुद से भी पढ़ना सीखिएगा। अब आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे, नया अपडेट मैं बहुत जल्द देने वाला हूं, बहुत बड़ा अपडेट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है? बार बार एक ही कॉमेंट्स मत कीजिएगा, 4 सर्किल और 20 वोट वाला, ठीक है? बने रहिए अभी से क्लासेस के साथ, पल पल की अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।